नमस्कार दोस्तों वेलकम टू शोइंग ट्रेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे काजरिया सिरामिक्स के बारे में काजरिया सिरामिक्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे काजरिया सिरामिक्स में अगर आज देखेंगे तो बहुत बड़ा एक फॉल्ट देखने को मिला था तो उसके पीछे का रीजन क्या है इस स्टॉक को कौन सा लेवल पे हमें लेके चलना चाहिए तो होल्ड करना चाहिए या तो फिर नहीं होल्ड करना चाहिए पूरा वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नया हो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंड्स और एक इम्पोर्टेंट है अगर आप मेरे साथ में व्हाट्सअप में जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप मेरे साथ में व्हाट्सएप में जरूर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स अगर काजरिया के बारे में बात करेंगे यहाँ पे आज के दिन में सेवन परसेंटेज का गिरावट देखने को मिला है और पंद्रह हजार करोड़ का मार्केट क्या पे अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से ये मार्केट लीडर भी है अगर हम देखते हैं तो जो सिरामिक्स बिजनेस में है यहाँ पे पंद्रह हजार तीन सौ अस्सी करोड़ का कजरिया सीरािक्स का है इसके बाद में अगर देखेंगे सुमानी सिरामिक्स का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टू थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ का मार्केट क्या पे उसके बाद में एशियन ग्रानाटो अगर देखेंगे पांच सौ सतहत्तर करोड़ का है अगर सेरा सैनिटरी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे पांच हजार छह सौ करोड़ का है जो की इनमें मार्केट प्लेयर केजरिया सेरामिक्स है ठीक है तो इस हिसाब से सा अगर हम देखते हैं इसका पंद्रह हज़ार करोड़ का मार्केट क्या पे अगर पी की बात करेंगे थर्टी सेवन पी पे अभी भी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है तो यहाँ पे आर ओ सी ट्वेंटी टू का है जो कि बढ़िया सा आर ओ सी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक का ऑल टाइम हाई वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन ऑल टाइम हाई है स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है नाइन सिक्सटी फाइव पे अगर हम प्रोमोटर प्लेस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे प्रोमोटर का प्लेस नहीं है और डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट डेड फ्री कंपनी है प्योर तो डेड फ्री नहीं है ऑलमोस्ट डेड फ्री कंपनी है लो डेट है क्योंकि जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंटेज का डेट है तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट सिर क्या है मतलब यहाँ पे कजरिया में तो यहाँ पे अगर इसका प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स अगर दिसंबर का क्वार्टर में अगर हम सेल्स देखेंगे यहाँ पे वन करोड़ का सेल्स देखने को मिला है जो कि लास्ट दिसंबर में यहाँ पे एट करोड़ का सेल्स देखने को मिला था सेल्स में तो बहुत बढ़िया सा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है अभी अगर देखते हैं दिसंबर 2021 को हाईएस्ट सेल्स पोस्ट किया है कंपनी ने उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है यहाँ पे 122 करोड़ का प्रॉफिट है जो कि बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है लास्ट दिसंबर के क्वार्टर में अगर हम देखते हैं यहाँ पे वन करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था अभी वन करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल, मिल रहा है जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट रिजल्ट है अगर लास्ट चार क्वार्टर में अगर हम देखते हैं ये कंपनी में यहाँ पे प्रॉफिट जो आया है 408 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया है जो कि सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो कंपनी हर एक ईयर में प्रॉफिट बढ़िया सा प्रॉफिट कर रहा है 2019 की अगर बात करेंगे यहाँ पे 227 करोड़ का प्रॉफिट था अगर 2020 की बात करेंगे यहाँ पे 255 करोड़ का प्रॉफिट था उसके बाद में दो के बारे में अगर बात करेंगे तीन करोड़ का प्रॉफिट है उसके बाद में यहाँ पर चार करोड़ का प्रॉफिट है प्रॉफिट तो बढ़िया सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है अगर इसी हिसाब से हम अगर सेल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स करोड़ का सेल्स देखने को मिला था उसके बाद में यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी को टू थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ का सेल्स देखने को मिला था अभी दो हजार सात सौ करोड़ का सेल्स है अभी अगर लास्ट चार क्वार्टर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे तीन हजार पाँच सौ करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है तो अगर इसी हिसाब से अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रिजर्व 2016 करोड़ का रिजर्व है जो कि सबसे हाईएस्ट है रिजर्व तो जबरदस्त यहाँ पे दिख रहा है जो कि 2016 करोड़ का रिजर्व हो चुका है तो अगर बोरोइंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे एक सौ अठारह करोड़ का है जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सौ छसठ करोड़ का बोरोइंग था यहाँ पे वन ट्वेंटी सिक्स करोड़ का बरोएंगे यहाँ पर एक सौ अट्ठारह करोड़ का है बोइंग इतना ज़्यादा नहीं है लोडेड कंपनी है तो अगर इसी हिसाब से अगर हम प्रमोटर का होल्डिंग की बात करेंगे यहाँ पर एफ आई के पास में ज़बरदस्त होल्डिंग है जो कि ट्वेंटी टू परसेंटेज का होल्डिंग है लेकिन अगर पिछला क्वार्टर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन को यहाँ पे ट्वेंटी फाइव परसेंटेज का होल्डिंग था उसके बाद में यहाँ पे ट्वेंटी फोर परसेंटेज का होल्डिंग हैल्डिंग है डीआई के पास में यहाँ पे सेवेंटीन परसेंटेज का यहाँ पे डीआई के पास में होल्डिंग है अगर हम यहाँ पे पब्लिक के पास में देखते हैं पब्लिक के पास में बारह परसेंटेज का होल्डिंग है फ्रेंड्स इसी हिसाब से अगर आज के दिन का अगर ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे जिस हिसाब से भारी यहाँ पे बिक्वाली देखने को मिल रहा है स्टॉक में और यहाँ पे देखिए इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक में आज के दिन में फिफ्टी सेवन परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है जो कि बहुत बढ़िया है डिलीवरी डाटा अगर इसी हिसाब से देखते हैं तो बहुत अच्छा सा डाटा निकल करके आता है फिफ्टी सेवन परसेंटेज का डिलीवरी है अगर हम ट्रेडिंग की क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे दस लाख इक्कीस हजार क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है पांच लाख तिरसी हजार क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया जो कि बहुत बढ़िया डाटा है ठीक अगर इसी हिसाब से अगर हम एक यहाँ पे जाके आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक में कितना वॉल्यूम यहाँ पे है ट्रेडिंग हुआ है आज के दिन में यहां पे जो कि वन मिलियन वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हुआ है जो कि लाख का वॉल्यूम पे निकल करके आया है फ्रेंड्स एक चीज आप जरूर यहाँ पे नोट करेंगे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है मोमेंटम में था हमेशा हंड्रेड डे का मूवी एवरेज को सपोर्ट करके चल रहा था यहाँ पे देखिए यहाँ पे हंड्रेड डे का मूवी एवरेज यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी हंड्रेड डे का मूवी एवरेज यहाँ पे भी एक बार हंड्रेड एगम मूविंग एवरेज उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ दिन तक हंड्रेड एम हुई एवरेज को सपोर्ट करके फिर स्टॉक चलने स्टार्ट कर लिया लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पे जिस हिसाब से भारी करेक्शन देखने को मिला मार्केट सिनारियों में उसके बाद में फिर भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था लेकिन यहाँ पे भारी वॉल्यूम के साथ में बिकवल आया और स्टॉक में बिल्कुल यहाँ पे नाइन सिक्सटी का लेवल पे आ चुका है लेकिन इसी हिसाब से अगर हमें देखना है तो कौन सा लेवल पे स्टॉक यहाँ से जा सकता है अगर इसी हिसाब से फ्रेंड्स देखेंगे स्टॉक बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक का जो लेवल है यहाँ तक जरूर आ सकता है अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए कितना बार सपोर्ट लिया है यहाँ पे देखिए चार कैंडल यहाँ पे बना उसके बाद में यहाँ पे दो कैंडल है यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी काफ़ी कैंडल्स बनाए जो कि सपोर्ट लिया उसके बाद में यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है तो ये स्टॉक में आपको एट सेवेंटी सिक्स के पास में एक स्ट्रांग सपोर्ट है ठीक है अगर अगर आप स्टॉक में खरीदारी करने का मन बना रहे हैं मेरे हिसाब से काजरिया सिरामिक्स जो कि मार्केट लीडर है तो इसमें अगर आप इसी हिसाब से देखेंगे जो कि मार्केट लीडर है लीडर प्लेयर है इसी हिसाब से प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे जो कि प्रॉफिट बहुत बढ़िया है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सेल्स के बारे में बात करेंगे सेल्स भी बहुत बढ़िया है कोई प्रॉब्लम नहीं है बैलेंस शीट में लो डेट कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है कंपनी के ऊपर ओनली एक करोड़ का अट्ठारह है जो कि इतना ज्यादा नहीं है अगर प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे जो कि सुपर है इसी हिसाब से आप अगर देखेंगे यहाँ पे एफ और डी के पास में जबरदस्त होल्डिंग है सारे पैरामीटर हमारे फेवर में है मुझे ऐसा लग रहा है इसी हिसाब से अगर आपको बाइंग करने करना चाहते हैं ये स्टॉक में मुझे ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे ये सेवेंटी सिक्स के पास में बिल्कुल आप नजर रख सकते हैं ठीक है जो कि ये लेवल है ये लेवल के पास में आपको बिल्कुल नजर रखना है तो इस लेवल के पास में अगर स्टॉक आ जाता है तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं जो कि 878 के पास में लेकिन फ्रेंड्स ऐसा मैं बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये यह स्टॉक यहाँ पे जरूर आ मतलब यहाँ से बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट जिस हिसाब से बना हुआ है स्टॉक यहाँ से नीचे भी जा सकता है लेकिन ये लेवल तक जरूर आ सकता है तो अगर आपको इसमें खरीदारी करना है तो ये लेवल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं अगर इस स्टॉक में आप टाइम देंगे तो आपको बढ़िया सा मुनाफा देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर आप पोजिशन बना के चलते हैं अगर इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई के लिए आप अगर इस स्टॉक में है, यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस के लिए अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बना के चलते हैं तो यहाँ से लेके कर यहाँ तक अगर आप पोजीशन बनाएंगे थर्टीन हंड्रेड फोर्टी नाइन तक आपको यहाँ पे एक फिफ्टी थ्री परसेंटेज का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स ठीक है जो कि यहाँ पे कितना बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है एक बार जरूर देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक बार बना है यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडल इस लेवल पे है और यहाँ पे भी एक बार है ठीक है तो यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया हुआ है मुझे ऐसा लगता है ये जो टारगेट आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए जो कि थर्टी हंड्रेड फोर्टी नाइन पे आपको जीटी टेटर सेट करके रखना चाहिए ठीक आपको इस लेवल पे बाइंग करके इस लेवल अगर रुकेंगे तो आपको बढ़िया अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है फिफ्टी थ्री परसेंटेज का अगर आप बोलेंगे इसमें कितना टाइम लगेगा तो ये जो स्टॉक है तो इसमें आपको ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा एक साल मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो ये एक साल के लिए अगर इस स्टॉक में आप बने रहेंगे तो आपको फिफ्टी थ्री परसेंटेज का गेन मिल सकता है लेकिन फिफ्टी थ्री परसेंटेज का गेन कोई बुरा नहीं होता है फ्रेंड्स बहुत अच्छा सा गेन हम मान सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक का कितना परसेंटेज का करेक्शन हो चुका है स्टॉक में उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स अभी अगर देखते हैं ये स्टॉक में एक थर्टी परसेंटेज का करेक्शन हो चुका है ये स्टॉक में ठीक है अभी भी एक थर्टी परसेंटेज का करेक्शन हो चुका है इससे पहले आप बोलेंगे कि कितना परसेंटेज इससे पहले करेक्शन हुआ एक बार जरूर बताओ आप देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोविड के टाइम पे

यहाँ पे फिफ्टी एट परसेंटेज का करेक्शन देखने को मिला था ठीक है ये चीज भी जरूर आपको ध्यान में रखना है ऐसा इग्नोर भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक का नेचर है ठीक है स्टॉक जब गिरता भी उसी हिसाब से गिरता है जिस हिसाब से भागता भी है उस हिसाब से भागता है यहाँ पे देखिए फोर्टी परसेंटेज का करेक्शन है तो इसीलिए आप डरिए मत ये स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में है मेरे हिसाब से होल्ड करके चल सकते हैं कई बार हमने ऐसा देखा है दो को भी यहाँ पे चालीस परसेंट हुआ है अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 2018 को यहाँ पे भी एक फिफ्टी एट परसेंटेज का क्रास हुआ है यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोविड के लेवल पे कोविड के लेवल पे भी एक बढ़िया सा क्रास देखने को मिला था तो इसीलिए ये स्टॉक में हो सकता है वहां तक का करेक्शन इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम जो जिस लेवल के बारे में बात कर रहे हैं वहां तक अगर हम रुकते हैं तो यहाँ पे थर्टी का करेक्शन है ठीक है तो लेकिन फ्रेंड्स ये स्टॉक में आपको जो भी करना है आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए तो उसी हिसाब से आपको पोजीशन बनाना है या तो फिर आपको सेल करना है उसी बेसिस पे आपको सेल करना है ये स्टॉक में मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है जो भी करना है आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए इस बेसिस पे आप अपना पोजीशन बना सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए हर एक फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कीजिए आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन भी बिल्ड करता है और अगर आप अगर इससे इसमें मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे जरूर जुड़ जाइए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बढ़िया बढ़िया स्टॉक है जो कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी पे मिलता है उस टाइम पे व्हाट्सअप ग्रुप में मैं जरूर शेयर कर लेता हूँ तो आप इसमें आप ये वीडियो भी जरूर देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे थर्टी स्टॉक का मैंने लिस्ट बनाया था ये सब लिस्ट को आप एक नोट पैड में लिख के रखिए कौन सा कौन सा स्टॉक है आपको हमेशा के लिए ये स्टॉक में अपना डायरी में देख सकते हैं जब भी ये स्टॉक में करेक्शन मिलेगा ना उस टाइम पे आप इस स्टॉक को बेफिक्र बेफिक्र रह स्टॉक को बाय कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है थर्टी स्टॉक जो है ना बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉग स्टॉक है कोई इशू नहीं है सब स्टॉक में ठीक है आपका पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पे जाके जरूर वीडियो देख के काफ़ी सारा चीज सीख सकते हैं अगर यहाँ पे कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं वो सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए यहाँ पे टेक्निकल चार्ट वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं उस चीज़ का वीडियो काफी सारा है ये चीज़ अगर आप सीख लेंगे वीडियो अगर देख लेंगे एक एक बार तो आपको काफ़ी सारा चीज सीखने को मिल जाएगा फ्रेंड ठीक है तो इसलिए तो वीडियो को देखिए और वो अपना जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स और किसी के पास में काजरिया सरा है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नया एक वीडियो में